Good morning, students. Today we are going to cover the chapter power sharing. First of all, we need to understand what is the meaning of power sharing and why it is important, right? तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि power sharing का मतलब होता क्या है। देखो बेटा, power sharing को अगर हम simple भाषा में समझें तो Dividation of power among the different organs of government is called power sharing. Power को divide करना सरकार के different organs में और सरकार के different levels में, that is called power sharing. तो हमने किसमें divide किया? सबसे पहले हमने divide किया power को between the organs of the government. सबसे पहले organs. कौन-कौन से तीन organ? सबसे पहला organ हमारा आता है legislature. अब यहाँ we need to understand is What is the meaning of legislature? Legislature का काम क्या है? बेटा, legislature means जहाँ पर सरकार का जो पार्ट कानून बनाने के लिए responsible है, that is called legislature. सरकार ने अपनी power divide कर दी, अपने एक पार्ट को power दे दी कानून बनाने की. अब बारी आती है सरकार का दूसरा organ, उसका नाम है executive. Executive के पास सरकार की क्या power है? उसके पास है power सरकार की कि उसने जो कानून लेजिस्लेचर ने बनाया उस कानून को इंप्लीमेंट करना. तो सरकार ने यहां पर भी अपनी इस ऑर्गन में भी अपनी पावर शेयर कर दी. दो ऑर्गन में सरकार ने पावर शेयर करी. अब आता है तीसरा पार्ट जो कहलाता है जुडिशियरी. इसके पास क्या पावर है? गवर्नमेंट ने इसको पावर दे दी कानून को, लॉ को डिफाइन करने की पावर और जस्टिस करने की पावर. तो सरकार ने अपने तीनों ऑर्गन्स में अपनी पावर को डिवाइड कर दिया. तो सरकार ने की power sharing. That is important and that is necessary for the smooth functioning of the government. हमें ये समझना है कि government के तीनों organs में जो power sharing हो रही है उसका purpose है government के organs में mutual conflict ना हो, plus government के organ में किसी तरह का dispute ना हो, सबके jurisdiction clear हो, इसीलिए government करती है power sharing. Alright? Now, second thing. हमने पढ़ा government के organs में कैसे power sharing होती है. अब हमें ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के लेवल्स में भी गवर्नमेंट पावर शेयरिंग करती है. कितने लेवल्स होते हैं बेटा गवर्नमेंट के? गवर्नमेंट के तीन लेवल्स होते हैं. कितने लेवल्स होते हैं? तीन. कौन कौन से तीन लेवल होते हैं? सबसे पहला जो हमारा लेवल होगा गवर्नमेंट का, वो लेवल है सेंट्रल लेवल. सेंट्रल लेवल यानी यूनियन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपना सारी पावर्स में से कुछ पोर्शन खुद के अपने पास रखती है क्योंकि उसे पूरी कंट्री को गवर्न करना है, राइट? उसके बाद दूसरा पोर्शन है स्टेट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट अपनी बहुत सारी पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है. देखो बेटा, एक बात समझो, जैसे इंडिया है, इंडिया एक बहुत बड़ी यूनिट है, उसमें बहुत छोटी छोटी 28 स्मॉलर यूनिट्स उसके साथ अटैच है जिन्हें हम स्टेट्स बोलते हैं. इसके अलावा हमारे पास यूनियन टेरिटरीज है. तो गवर्नमेंट ने अपनी पावर को स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया और यूनियन टेरिटरीज की गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर दिया ताकि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो है वो स्मूथ होती रहे. और तीसरा लेवल इसके बाद वो है आपका लोकल लेवल. तो ये गवर्नमेंट के तीन लेवल्स हैं. अच्छा, यहां पर आपको एक बात समझनी और भी जरूरी है. ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जगह गवर्नमेंट के तीन लेवल हो. कहीं पर गवर्नमेंट दो लेवल्स में भी काम करती है. जैसे यूएसए, वहां पर दो ही लेवल है गवर्नमेंट के, एक सेंट्रल लेवल और एक स्टेट लेवल. लेकिन इंडिया में हमारे यहाँ तीन लेवल है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल. तो पावर को इन तीनों लेवल्स में डिवाइड कर दिया गया. तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो पावर शेयरिंग करती है. यही इस चैप्टर का कंसेप्ट है. हम इसी को अलग अलग तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि पावर शेयरिंग किस तरह से गवर्नमेंट जो है वो की जाती है, गवर्नमेंट में की जाती है. अब इसको बेटा एक दूसरा नाम भी दे दिया गया है. ध्यान से सुनो, यहाँ आपका एक और आंसर कवर हो रहा है. कैसे? अगर आपसे ये पूछा जाता है कि गवर्नमेंट अपनी हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किसे कहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का मतलब ये है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग होना. इज आल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ पावर शेयरिंग. इज दैट क्लियर? सेकंड थिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग. वर्टिकल पावर शेयरिंग मीन्स गवर्नमेंट के तीनों लेवल्स में पावर शेयरिंग होना. इज आल्सो नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग. तो यहां हमने दो बातें सीखी कि गवर्नमेंट पावर शेयरिंग करती है. पावर शेयरिंग का मीनिंग, मीनिंग ऑफ द पावर शेयरिंग इज टू डिवाइड द पावर अमंग द डिफरेंट लेवल्स एंड द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन जिसमें गवर्नमेंट पावर शेयरिंग करती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी.
और इन तीनों को इसके साथ साथ एक अलग तरह की पावर शेयरिंग के नाम से भी बुलाया जाता है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। और इसके बाद गवर्नमेंट के तीनों लेवल्स में पावर शेयरिंग होती है, कौन कौन से, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल। इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो अब हमारी दो चीजें क्लियर हो गई, एक कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग और दूसरा पावर शेयरिंग कितने टाइप की होती है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स और गवर्नमेंट के लेवल्स में। इज दैट क्लियर? तो यहां तक अब हमें क्लियर हुआ कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स किस तरह से पावर डिवाइड होता है उसमें और गवर्नमेंट के लेवल्स में किस तरह से पावर डिवाइड की जाती है। अब हमें यह समझना भी जरूरी है कि हम जो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं पावर शेयरिंग का, इसकी जरूरत क्या है। और एक बात और ध्यान रखो बेटा, मॉडर्न डे डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग एक बहुत ही जरूरी सब्जेक्ट है, बिना इसके डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल नहीं माना जा सकता। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम करेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। क्या इंपॉर्टेंस है पावर शेयरिंग की, इस हमें क्यों पावर शेयरिंग जरूरी है डेमोक्रेसी में। तो अगर कुछ बातें ध्यान में रखनी है, जैसे सबसे पहले ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करती है पावर शेयरिंग, कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन। ये आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर शेयरिंग होगी तो इसका एक सिंपल सा मीनिंग ये है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में कभी भी आपस में म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई ऑर्गन कभी भी दूसरे के कामों में टांग नहीं अड़ाएगा, कोई भी ऑर्गन दूसरे के किए गए काम के ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो हमें यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी पावर शेयरिंग होगी हमेशा इससे गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो रिड्यूस होगा और गवर्नमेंट के ऑर्गन जो है वो म्यूचुअल उनके बीच में डिस्प्यूट नहीं होंगे। दूसरी बात ये है एक तरह से सिक्योरिटी, किसके लिए, ये सिक्योरिटी है माइनॉरिटीज के लिए, सिक्योरिटी फॉर द और माइनॉरिटीज। पावर शेयरिंग का फॉर्मूला अपने आप में एक तरह से सिक्योरिटी है, किसके लिए सिक्योरिटी है, माइनॉरिटीज के लिए। जहां पावर शेयरिंग होगी वहां पर हमेशा माइनॉरिटीज सेफ एंड सिक्योर फील करेंगी। क्यों, हमें यह भी ध्यान में रखना है, वो इसलिए क्योंकि पावर शेयरिंग की मदद से माइनॉरिटीज की प्रॉब्लम्स, माइनॉरिटीज के ग्रीफ, उनकी उनके जो भी उनके इश्यूज हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, वो गवर्नमेंट तक पहुंचेंगे और गवर्नमेंट उनका सोल्यूशन उनको देगी। इसीलिए हम ये कहते हैं कि जब भी पावर शेयरिंग होती है तो उससे माइनॉरिटीज अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करते हैं। हमें ये भी कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। थर्ड पॉइंट, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। सबसे बड़ा लॉजिक, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग से क्या हो रहा है, पावर शेयरिंग से गवर्नमेंट स्मूथ फंक्शनिंग कर रही है। कैसे कर रही है स्मूथ फंक्शनिंग, जब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में आपस में क्लैश नहीं होगा, जब गवर्नमेंट के लेवल्स आपस में एक दूसरे के साथ किसी तरह के